बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, हम जो टॉपिक ले रहे थे पुरस्सरण गति, उसी को आज आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो पुरस्सरण गति के लिए मैंने बताया था कि जो हमारा लट्टू होता है, लट्टू एक मुख्य अक्ष के सापेक्ष जो उसकी चक्रण अक्ष होती है वो एक थीटा कोण पर झुकी होती है मुख्य अक्ष से, और वो जो चक्रण अक्ष है वो उस थीटा कोण पर झुकती हुई उस मुख्य अक्ष के चारों ओर एक शंकुआकार पथ में, शंकुआकार आकृति में जो है चक्रण करती है, और साथ में जो अपनी अक्ष है चक्रण अक्ष, उस चक्रण अक्ष के सापेक्ष भी वो लट्टू चक्रण गति करता रहता है। तो इस प्रकार की गति को हमने कहा था पुरस्सरण गति। तो पुरस्सरण गति के बाद हमने पुरस्सरण गति का कारण भी पढ़ लिया था कि वहाँ एक बलागुण उत्पन्न होता है, और बलागुण टो इज इक्वल टू आर एम जी साइन थीटा के रूप में हमने फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो लट्टू है, लट्टू की जो पुरस्सरण कोणीय आवृत्ति है, पुरस्सरण कोणीय वेग है, वो कितना होगा, आइए उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इस प्रकार से जो है लट्टू गति करता है, ये मुख्य अक्ष हो गई जेड अक्ष, और ये इसकी चक्रण अक्ष हो गई जिसके सापेक्ष वो ओमेगा कोण या वेग से घूर्णन गति करता है, और शंकुआकार पथ में जो है वो गतिशील होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि किसी अल्पांश समय डीटी में जो चक्रण कोणीय संवेग में ए स्थिति से ए डैश स्थिति तक आने में इस स्थिति में जो वृत्त का केंद्र है ओडेश, इस स्थिति में वृत्त का केंद्र क्या है ओडेश, इस ओडेश से कितना कोण बनाता है डी थीटा कोण बनाता है, तो कोणीय पुरस्सरण आवृत्ति या कोणीय पुरस्सरण वेग इसका क्या होगा यदि डी थीटा कोण बनाता है ए से ए डैश की स्थिति में आने में, तो ओमेगा पी इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, यानी डी टी टाइम में वो डी थीटा कोण क्या है बनाता है, तो ये इसका कोणीय वेग कितना हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी फाइव अपॉन डी टी के रूप में, थीटा नहीं है फाइव है, तो डी फाइव अपॉन डी टी के रूप में ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम देखें तो ये एंगल डी फाइव हो गया और ये डी जे एक्स हो गई, तो डी फाइव इज इक्वल टू डी जे अपॉन जे साइन थीटा, ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम डी फाइव इज इक्वल टू डी जे अपॉन जे साइन थीटा के रूप में हमारे पास बनता है। और यहाँ ओमेगा की जब हम इसे डी फाइव की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करेंगे तो ओमेगा की इज इक्वल टू डी जे अपॉन जे साइन थीटा डी टी हमें यहाँ फाइंड आउट होता है। तो हम जानते हैं कि जो बलागुण टो है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो टो इज इक्वल टू डी जे वेक्टर अपॉन डी टी, तो यहाँ संवेग में कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है बलागुण के, तो यहां से हम टो की वैल्यू इस वैल्यू डी जे अपॉन डी टी को किसके बराबर ले सकते हैं टो के बराबर ले सकते हैं, तो हमने यहाँ इसकी वैल्यू रख दी टो के रूप में, तो चूंकि हम वेक्टर नहीं ले रहे हैं तो टो इज इक्वल टू डी जे अपॉन डी टी, तो टो अपॉन जे साइन थीटा, तो टो इज इक्वल टू ओमेगा पी जे साइन थीटा, तो टो वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा पी वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। और बलागुण के लिए हमने पद फाइंड आउट किया था उसके रीजन में टो इज इक्वल टू आर एम जी साइन थीटा के रूप में, तो इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे टो की जगह, तो अब हम यहाँ से आसानी से जो है ओमेगा पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ओमेगा पी इज इक्वल टू आर एम जी साइन थीटा में जे साइन थीटा का भाग देंगे, तो जे साइन यहाँ साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा पी इज इक्वल टू आपको मिलेगा आर एम जी अपॉन जे के रूप में, पर यानी कि ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन जे, यानी कि कोणीय संवेग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलते हैं हमारे पास कि जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग ये रहा जे और ये रहा आपके पास रेखीय वेग ओमेगा पी, कोणीय आवृत्ति भी से हम कह सकते हैं, यानी कि यहां से रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो कोणीय आवृत्ति है
पुरस्सरण गति की, वो पुरस्सरण गति की कोणीय आवृत्ति यहाँ इस एंगल फाई पर निर्भर नहीं करती है। तो किस पर कोणीय जो फाई है, एंगल फाई जो तय कर रही है, यानी कि फाई पर निर्भर नहीं करती है, ये निर्भर करती है किस पर? कोणीय संवेग पर। यदि कोणीय संवेग का मान ज्यादा होगा तो कोणीय संवेग का मान ज्यादा कब किस कंडीशन में होगा कि जैसे उस पर कोई बाह्य बल लग रहा, घर्षण वगैरह, तो उसके कारण जो है उसकी कोणीय संवेग में क्या होगी, फिर कमी होगी। तो कोणीय संवेग में कमी होने पर जो पुरस्सरण आवृत्ति है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि आप देखते हैं जो हम लड्डू घुमाते हैं, तो लड्डू घुमाते वक्त हम देखते हैं कि अंतिम समय में जब लड्डू पर घर्षण बढ़ जाता है तो अंतिम समय में वो मुख्य अक्ष के आसपास जो है बहुत जो है ज्यादा एंगल बनाते हुए उस मुख्य अक्ष के चारों ओर जो है शंकु का जो है बड़ा शंकु बनाते हुए वो क्या करता है, गति करता है। तो वहां हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे घर्षण बढ़ेगा यानी कि कोणीय संवेग घटेगा तो जो आपकी कोणीय आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। तो ये था हमने पुरस्सरण गति में जो है कोणीय आवृत्ति, इसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे हमारा पुरस्सरण चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की पुरस्सरण लार्मर आवृत्ति। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की चक्रण पुरस्सरण लार्मर आवृत्ति को हम फाइंड आउट करेंगे। यानी कि हमारा जो पिछला टॉपिक है पुरस्सरण गति का, और ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लार्मर आवृत्ति, यहाँ से मैक्सिमम जो है 5 नंबर का या 10 नंबर का, दोनों से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम टाइम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो है मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माना कि परमाणु पर परमाणु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर, वो लगा हुआ है बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र जो जेड अक्ष के अनुदिश आरोपित किया गया है। इस जेड अक्ष के साथ अनुदिश जो है आरोपित किया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र में चक्रण गति करते हुए इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल आघूर्ण है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील जो इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो होगा बल आघूर्ण। तो वेक्टर इज इक्वल टू म्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के रूप में, म्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के रूप में रहता है। और हम जानते हैं कि परमाणुीय जो कण है, परमाणुीय कण पर जो चुंबकीय आघूर्ण है वो म्यू वेक्टर और कोणीय संवेग जे वेक्टर, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण जो है म्यू वेक्टर के रूप में है और चुंबकीय क्षेत्र जो है बी वेक्टर के रूप में है। इनके ये जो है चुंबकीय क्षेत्र, जो हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण है म्यू वेक्टर, ये कोणीय संवेग जे वेक्टर के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात म्यू वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू जे वेक्टर, यानी कि जो चुंबकीय बल आघूर्ण है, चुंबकीय बल आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण किसके, जे वेक्टर कोणीय संवेग के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो समानुपाती स्थिरांक बताएंगे तो म्यू इज इक्वल टू गामा जे वेक्टर। तो यहां बी वेक्टर तो चुंबकीय क्षेत्र है, बी वेक्टर जहां बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र, जे वेक्टर कोणीय संवेग, गामा चुंबकीय यांत्रिक अनुपात, चुंबकीय यांत्रिक अनुपात
और म्यू वेक्टर ये होता है चुंबकीय आघूर्ण, म्यू वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण। तो ये चारों पद है, ये इस तरह से है, और जो चुंबकीय यांत्रिक अनुपात है गामा, उसका मान गामा इज इक्वल टू माइनस टू ई अपॉन टू एम के बराबर होता है। तो यहां से देखें तो समीकरण एक में जो समीकरण दो है, समीकरण ये हो गया आपके, ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर टू। तो समीकरण एक में समीकरण दो से मान रखते हैं, तो यहां समीकरण दो में दो से मान रखें तो टो वेक्टर इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो टो वेक्टर इज इक्वल टू म्यू, म्यू वेक्टर की वैल्यू रखेंगे हम गामा जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के रूप में, ये हमने यहां वैल्यू रखी। ये इक्वेशन नंबर आपके पास तीन कहलाती है। अतः बलाघूर्ण की जो दिशा है हमेशा किसके जे वेक्टर और बी वेक्टर, जो बलाघूर्ण है इसकी दिशा जे वेक्टर और बी वेक्टर की क्या होगी, सदैव लंबवत होगी। इस कारण जो इलेक्ट्रॉन है चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर क्या करेगा, पुरस्सरण गति करता है। माना कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर केवल और केवल जेड अक्ष के अनुदिश है, किसके अनुदिश है, जेड अक्ष के अनुदिश है, तो चुंबकीय क्षेत्र के बी एक्स और बी वाई जो घटक है वो कितने होंगे, जीरो होंगे। चुंबकीय क्षेत्र का बी एक्स और बी वाई घटक क्या हो जाएगा, जीरो, और जेड अक्ष के अनुदिश वाला घटक बी जेड को हम लेकर के चल रहे हैं बी के रूप में, कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है वो बी है। तो जेड घटक उपस्थित है तो बी वेक्टर की यदि हम बात करें ये दोनों घटक जीरो, तो बी के ये होगा इसका मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो इसे लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फोर, ये आपके समीकरण चार हो गए। हम जानते हैं कि टो वेक्टर इज इक्वल टू बी जे वेक्टर अपॉन डी टी, यानी कि बलाघूर्ण जो संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो टो की वैल्यू यहाँ हम रखेंगे इक्वेशन नंबर तीन में, तो डी जे वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू गामा जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये किस तरह से हमारे पास ये समीकरण फाइंड आउट होती है, तो अब यहां हम जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए हम इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई के जे केप के, तो जे एक्स जे वाई जे जेड ये जीरो, ये जीरो, ये बी। तो यहां हमें जो है एक पद मिलेगा एक्स, तो इसकी बात करें तो ये तो जे वाई इंटू बी माइनस जीरो, तो जे वाई बी के रूप में हमें एक और केवल एक घटक मिलेगा x घटक, तो डी जे एक्स एक्स घटक की यहाँ मिलेगा हमें डी जे एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू गामा बी जेड जे बी इंटू जे एक्स, ये पद हमें यहाँ मिलता है इसको सॉल्व करने पर। तो इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फाइव, ये क्वेश्चन नंबर पांच। तो ये हमने लिया था कि जब चुंबकीय क्षेत्र किस अक्ष के सापेक्ष हो, जेड अक्ष के अनुदिश हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र वाई अक्ष के अनुदिश है
तो फिर हम सिमिलरली करके इक्वेशन नंबर 6 और यदि चुंबकीय क्षेत्र एक्स अक्ष के अनुदिश है तो सिमिलरली जो है इक्वेशन नंबर 6 और 7 भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वाई घटक के लिए हम बात करें तो वाई घटक ये तो हो गया एक्स घटक, बात करते हैं वाई घटक डी जे वाई अपॉन डी टी। तो ये तो जे एक्स डी यहां जे वाई है, तो बात कर रहे हैं इसकी वाई घटक की, तो ये इस तरह से बीच वाले को रोक देंगे और जे एक्स डी और ये माइनस हमने का तो माइनस का गामा बी जे एक्स के रूप में हमें ये पद यहां फाइंड आउट होता है, ये इक्वेशन नंबर 6। और बात करें जे घटक की बी जे जेड अपॉन dt is equal to, ये आपको जो है तो ये तो इससे तो ये टोटल इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो ये इक्वेशन नंबर आपके 7। अब यहां समीकरण 6 का विद रेस्पेक्ट टू टी जो है अवकलन करने पर, जो इक्वेशन नंबर 6 है उसका विद रेस्पेक्ट टू टी हम डिफरेंशियल लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं समीकरण 6 का टी के सापेक्ष अवकल करने तो डी स्क्वायर जे वाई अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का गामा डी डी जे एक्स अपॉन डी टी, इस तरह से एक पद हमारे पास बनेगा। तो यहाँ हमारे पास जो डी जे एक्स अपॉन डी टी है इसकी वैल्यू हम यहाँ से कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 5 से, तो डी स्क्वायर जे वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस गामा बी, तो यहाँ बनेगा आपके पास गामा स्क्वायर बी स्क्वायर और जे वाई, इस तरह से हमारे पास ये पद बनेगा। तो यहां से हम हमारे पास जो इक्वेशन है उससे डी स्क्वायर जे वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बी स्क्वायर जे वाई इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हमारे को फाइंड आउट होती है। और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 8, ये इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास बनती है। तो ओमेगा पी इज इक्वल टू गामा बी के रूप में लें, क्योंकि ओमेगा पी इज इक्वल टू गामा बी इस तरह से रहता है इसमें, तो इसे हम गामा स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, डी स्क्वायर जे वाई या आवृत्ति का पद कहलाता है, तो प्लस ओमेगा पी स्क्वायर जे वाई इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हमें यहाँ मिलती है। और इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 9, ये इक्वेशन नंबर 9 हमारे को यहाँ फाइंड आउट होती है। सो समीकरण जो हमारे पास है तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 9 में सिमिलरली
सिमिलर टू दी बी स्क्वायर जे एक्स अपॉन बी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा पी स्क्वायर जे एक्स इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 10 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है, ये इक्वेशन नंबर 10। तो इन दोनों इक्वेशन का यदि हम ये दोनों हमारे जो है एसएचएम की इक्वेशन है और एसएचएम के जो इक्वेशन होते हैं उनका जो सॉल्यूशन है उनका सॉल्यूशन निम्न तरह से होता है। समीकरण 9 व 10 के हल निम्न प्रकार होते हैं। समीकरण 9 और 10 के जो हल होंगे वो निम्न तरह से होंगे जे वाई वाई इज इक्वल टू जे नॉट साइन ओमेगा पी टी और जे एक्स इज इक्वल टू जे नॉट साइन ओमेगा पी टी के बोलिए 11। ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास रहती है। तो बात करें हम जे नोड की, तो जे नोड स्क्वायर समीकरण 11 व 12 का वर्ग करके जोड़ने पर तो जे नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जे एक्स स्क्वायर प्लस जे वाई स्क्वायर, ये इसका कोणीय संवेग कोणीय संवेग का मान होगा। एक ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमें एक प्रकार से वृत्त के समीकरण को प्रदर्शित करती है, वृत्त का समीकरण व्यक्त करती है ये इक्वेशन। तो ये जो इसका जो वृत्त होता है चक्रण कोणीय संवेग का जो पथ होता है वो वृत्ताकार होता है, इस समीकरण से हमें ये स्पष्ट होता है। बात करते हैं लार्मर आवृत्ति की, तो जो पुरस्सरण की कोणीय आवृत्ति होती है ओमेगा पी, तो ओमेगा पी इज इक्वल टू हमारे पास होती है गामा पी के रूप में, ओमेगा पी इज इक्वल टू गामा पी, ओमेगा पी इज इक्वल टू गामा की वैल्यू हमने रखी थी, गामा इज इक्वल टू हमने जो वैल्यू रखी थी वो है माइनस का ई अपॉन टू एम के रूप में। तो यहां ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो ओमेगा पी है ओमेगा पी इज इक्वल टू टू ओमेगा ई के रूप में इस तरह से रहता है, और ये जो ओमेगा ई है इस ओमेगा ई को हम कहते हैं लार्मर आवृत्ति, इस ओमेगा ई को हम कहते हैं क्या लार्मर आवृत्ति, और ओमेगा ई इज इक्वल टू माइनस का ई अपॉन टू एम बी के रूप में होता है, ये लार्मर आवृत्ति का पद होता है। और यहाँ ई जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कहलाता है, ये एम तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया और ई क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, ये यूनिट जो है कंप्लीट है सेकेंड यूनिट, नेक्स्ट यूनिट में जो है हम प्रत्यक्षता पढ़ेंगे। लास्ट, थैंक यू।